लेकिन लगातार शुरुआत से ही चिराग जी हों या रामविलास जी हों, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं। लेकिन उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा, ये उचित नहीं। योगी जी ने कहाँ बेरोजगारी पे बुलडोजर चलाई, कहाँ क्राइम पे बुलडोजर चलाया, लेकिन बिहार की जनता तो देख रही है कि सर्कस मॉडल चल रहा है। बोले भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, बोछा उपचुनाव और उसके ठीक पहले चिराग पासवान के साथ जो हुआ, उनका घर छीन लिया गया। अब तेजस्वी उनके समर्थन में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम सांस तक रामविलास पासवान भाजपा के साथ थे, चिराग भी अपने आप को हनुमान हनुमान कह रहे थे, मगर जो चिराग के साथ हुआ वो कतई सही नहीं हुआ। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुन लीजिए आप उनको। भैया, हम लोग के 5 तारीख वो हटा देगा, बुलडोजर चला देगा, कुछ हम लोग के ना हुआ। हाँ, बोला है 5 तारीख के जगह नहीं दिया। नहीं प्रीतम जी, नहीं हमारे 10 मिनट अरे बताओ तेजस्वी जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं चिराग पासवान के साथ जो हुआ, बंगला खाली कर देगा। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव उनके बंगले को बचाने के लिए उन्हें राज्यसभा भेजा करते थे, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वो बीजेपी का हनुमान रहते थे। देखिए, रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान जी अंतिम सांस तक जो है बीजेपी के साथ रहे। चिराग जी ने ये भी कहा था कि हम हनुमान हैं। अब जिस प्रकार का जो व्यवहार हुआ उनके साथ, चलो घर कोई बात नहीं, लेकिन जो असली घर था वो तो छीन लिया बीजेपी के लोगों ने। वो असली घर कौन सा था? चुनाव का सिंबल छिना गया और पार्टी को 2 पार्ट में कर दिया गया, घर में ही आग लगा दी गई। यानी यहाँ तो हनुमान जी की ही घर में आग लगा दिया गया, तो ये तो इस पर हम ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन लगातार शुरुआत से ही चिराग जी हों या रामविलास जी हों, हमेशा नरेंद्र मोदी जी के तरफ ही खड़े रहे हैं। लेकिन उनके तरफ खड़े रहने का ये परिणाम होगा कि उनके घर को ही आग लगा दिया जाएगा, ये उचित नहीं। कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं? अब इसमें हम क्या, कैसे अब हम इसमें क्या बताएं, ये तो जवाब चिराग जी ही दे सकते हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अब कहा है कि बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है, पहले तो प्रवक्ता कहते थे, अब तो वो मानते हैं कि अभी सर्कस मॉडल है। अरे सर्कस मॉडल है, पूछिए तो क्या उनका भरोसा नहीं रहा सीएम पे, नीतीश कुमार पे? अब हम नहीं जानते, लेकिन बिहार की जनता तो देख रही है कि सर्कस मॉडल चल रहा है। और लाएगा कौन, क्या है मॉडल, क्या है मॉडल, क्या है हमको तो पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर ही उनका मॉडल है। बुलडोजर ही उनका यूपी मॉडल, क्या होता है वो, किस लिए, हमको वो कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं आया। भाई बुलडोजर चलना चाहिए तो बेरोजगारी पे चलाते क्यों नहीं है यूपी में? योगी जी ने कहाँ बेरोजगारी पे बुलडोजर चलाई, कहाँ क्राइम पे बुलडोजर चलाया, कहाँ भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चलाया? कोरोना काल में देखे हुए क्या स्थिति थी यूपी के, पर सब से सब आ रहे थे, किस पे बुलडोजर चला, किसी पे नहीं। सब कहने के लिए 24 सीटों पर कैसे देखते हैं ये लड़ाई, 24 सीटों पर इस लड़ाई को कैसे देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है 24 सीटों की लड़ाई आज आखिर पता था। अब आप लोग देख ही रहे तो हम क्या देखें। तो आपने तेजस्वी यादव को सुन लिया, उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी चिराग के साथ हुआ वो गलत है। एक तरह से तेजस्वी इस बार बोछा उपचुनाव से पहले कर दिया है चिराग का समर्थन। अब क्या चिराग करेंगे तेजस्वी का समर्थन, देखने वाली बात है। हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।